हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस, क्लास नाइन्थ, लेसन नंबर फर्स्ट। टुडे वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, स्पीड। कंप्यूटर आर मच फास्टर कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए टास्क इन ए मिनट दैट मे Take days if performed manually. Computer can perform the millions of instruction and even more per second. Means computer के अंदर हम जितना भी work करते हैं उस work को speed से कर सकते हैं. For example, MS Excel. अब MS Excel के अंदर हम जितनी भी calculations करते हैं, जितने भी हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल स्कूल है, कॉलेजेस है, बैंक है, तो उन सभी की कैलकुलेशंस हम विद इन वन मिनट या विद इन वन सेकंड के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल, हमें स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड चेक करना है या उसके मार्क्स चेक करने हैं, तो हम सिर्फ एक सेकेंड के अंदर उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि एमएस एक्सेल के अंदर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है। फॉर सपोज करते हैं कि 37 × 37 की कैलकुलेशन करनी है, तो एमएस एक्सेल के अंदर हम विद इन वन मिनट के और विद इन वन सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बट यदि इसी कैलकुलेशन को यदि हम ह्यूमन बींग को करने के लिए दें तो वो काफी टाइम लगा देगा इसी कैलकुलेशन को करने के लिए। नेक्स्ट, बैंक। अब बैंक के अंदर हम किसी भी इम्प्लॉय का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। अब एमएस एक्सेल के अंदर एक बैंक के इम्प्लॉय की कैसे डाटा क्रिएट करते हैं, फर्स्ट उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस, तो काफी सारे डेटास का यूज करके हम एमएस एक्सेल के अंदर एक इम्प्लॉय का डाटा क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। अब कंप्यूटर के अंदर हम एक स्मॉल स्पेस के अंदर बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो, MP3 फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा, मतलब मीन्स एक स्मॉल स्पेस के अंदर हम काफी सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मीन्स इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव का यूज करके अभी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर कम स्पेस के अंदर काफी सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन्स एक्यूरेटली प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डजंट मेल फंक्शंस। अब कंप्यूटर के अंदर हम जितना भी वर्क करते हैं, चाहे हमारी वो नोटपैड की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, पीपीटी की है या एमएस एक्सेल की है, तो जितना भी वर्क हम इन सभी फाइल्स के अंदर करते हैं वो सारा का सारा वर्क हमारा एक एक्यूरेसी फॉर्म में होता है। एक्यूरेसी मीन्स उसके अंदर कोई भी एरर शो नहीं होता है। सपोज करते हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर कोई भी लेटर राइट कर रहे हैं, एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने कोई भी हमारे से 10 मिस्टेक हो गई है, तो उन 10 मिस्टेक्स को हम एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस का यूज करके उन 10 मिस्टेक्स को इजिली रिमूव कर सकते हैं। बट यदि इसी मैटर को या इसी लेटर या एप्लीकेशंस को हम एक ह्यूमन बीइंग को राइट करने के लिए दें, तो ह्यूमन बीइंग एक लेटर को और एक एप्लीकेशन को राइट करने में काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर के अंदर नोटपैड, वर्डपैड या एमएस वर्ड की फाइल का यूज करके डाटा को इजिली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। नंबर फोर, डेलीजेंस। एक कंप्यूटर कैन इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इट कैन वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर टू परफॉर्म। ए कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। मीन्स कंप्यूटर बिना किसी थकावट के या बिना थके किसी भी वर्क को कंटिन्यूसली कर सकते हैं।
मीन्स यदि हम कंप्यूटर पे 8 o'clock पे वर्क करने के लिए बैठे हैं और शाम को 5 o'clock या 6 o'clock तक बीच में बिना रेस्ट के कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू सुबह 8 o'clock से लेकर शाम को 5 o'clock तक बीच में 1 से लेकर 2 घंटे तक रेस्ट करते हैं। इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर टू परफॉर्म ए कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। यदि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर उन्हीं कैलकुलेशन को हमें एक्यूरेसी के अंदर परफॉर्म करके देते हैं। और यदि हम इन्हीं कैलकुलेशंस को ह्यूमन बीइंग को वर्क करने के लिए दें तो ह्यूमन बीइंग इन सभी कैलकुलेशंस को या किसी भी वर्क को हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर डिस्प्ले नहीं कर सकता है। सपोज करते हैं कि हमने उसको कोई भी लेटर राइट करने के लिए दिया है या कोई भी वर्क करने के लिए दिया है, तो उसके अंदर उसके काफी सारे एरर निकल के आएंगे, बट कंप्यूटर के अंदर वो एरर हमारे नहीं आएंगे। कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी वर्क को बिना ट्राइडनेस के उस वर्क को कंटिन्यूसली करता रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ, नो फीलिंग। इट डजेंट हैव फीलिंग और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दस इट डजेंट गेट ट्राइड इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। इट मीन्स कंप्यूटर की अपने कोई फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। दस इट डजंट ट्राइड इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। यह बिना थके किसी भी वर्क को कॉन्टिन्यूसली करता रहता है। कौन? कंप्यूटर। बट यदि ह्यूमन बींग की हम बात करें तो ह्यूमन बींग की सभी चीजें होती हैं क्या क्या, इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। These computer types with continuously physical quantities such as voltage, current, temperature, etc. They take input in the form of volts and ampere. An electronic item is an example of analog computer. Means analog computer किसे कहते हैं? जिस कंप्यूटर का यूज हम किसी भी करंट, टेम्परेचर या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उस कंप्यूटर को हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। मीन्स हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अब एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंट्रोल कर रहा है? हमारे घरों के अंदर मीटर के पास एक स्टेपलाइजर का यूज हम करते हैं। अब स्टेपलाइजर क्या वर्क कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों के अंदर आ रही है, उस अप डाउन के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल एसी। अब जब हम एसी लगवा रहे हैं तो एसी के साथ स्टेपलाइजर का यूज कर रहे हैं। अब एसी के साथ हमने स्टेपलाइजर का यूज क्यों किया है? क्योंकि एसी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन के फ्लो को कौन कंट्रोल करेगा? वो एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी एसी को मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए, क्या उसको वो प्रॉपर टाइम पे उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, घरों के अंदर हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज पर हम स्टेपलाइजर का यूज करते हैं, तो वो स्टेपलाइजर का यूज हमने किस लिए किया है कि वो स्टेपलाइजर जो हमने फ्रिज पर रखा है, वो स्टेपलाइजर जो रेफ्रिजरेटर को, जो फ्रिज को जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर। इन द कंप्यूटर टाइप वर्क विद डिसकंटिन्यूड डेटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 0 and 1, ऑल द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एंड दीज डिजिट एंड एक्सट्रीमली फास्ट। डिजिटल कंप्यूटर आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर एंड मोर
एक्यूरेट मींस अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम जीरो एंड वन फॉर्म के अंदर करते हैं। अब जीरो एंड वन फॉर्म के अंदर कैसे करते हैं, मींस जीरो एंड वन फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फॉर्म। जीरो एंड वन को हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। अब बाइनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मींस इलेक्ट्रिक पल्स के अंदर, यानी कि स्विचेज के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। स्विच को जब हम अप एंड डाउन कर रहे हैं तो स्विच के अंदर जैसे ही हमने डाउन किया तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन को रिप्रेजेंट किसने किया है, वन ने किया है। और जैसे ही मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ऑफ दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू फॉल्स और वन इज इक्वल टू ट्रू। यानी कि यहां पे हमारा कौन सा रूल इंप्लीमेंट हुआ, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के अंदर हमने कौन से डिजिट का यूज किया, जीरो एंड वन का यूज किया। कि कह रहे कि डिजिटल कंप्यूटर आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर एंड मोर एक्यूरेट। सेकंड एग्जांपल हमारी डिजिटल वॉच। जो डिजिटल वॉच हम यूज करते हैं उस डिजिटल वॉच के अंदर हम टाइम को शो करने के लिए जीरो एंड वन नंबर का यूज करते हैं। जीरो एंड वन नंबर से हम क्या शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन पर जिस वॉच का हम यूज करते हैं दिस इज डिजिटल कंप्यूटर। जो जिस वॉच का हम रेलवे स्टेशन पर यूज कर रहे हैं उस वॉच को हम क्या कहेंगे, डिजिटल वॉच। उस वॉच के अंदर अभी आपने देखा होगा कि जीरो एंड वन जो टाइमिंग शो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर शो होता है। नेक्स्ट थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इन दीज कंप्यूटर सम कैलकुलेशन टेक प्लेस इन द एनालॉग मैनर, रेस्ट ऑफ देम टेक प्लेस इन डिजिटल मैनर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। मींस एनालॉग कंप्यूटर के डेटा को डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट कौन करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। फॉर एग्जांपल इनपुट डेटा, अब इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कौन कन्वर्ट करता है, सीपीयू। इट इज एग्जांपल ऑफ सीपीयू एंड सीपीयू इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि इनपुट के डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट कौन कर रहा है, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि एनालॉग डेटा को हाइब्रिड कंप्यूटर में, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो नाउ रिवाइज अगेन माय दिस टॉपिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट स्पीड, सेकंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, थर्ड एक्यूरेसी। फोर्थ इंटेलिजेंस, फिफ्थ नो फीलिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो